पासे के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे किस डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लास और भी बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है इसमें अपने को बताना है, ये अपने ओपन डाइस दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन है, जब इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा ये देखना है। दोस्तों हम पिछले क्लास में इस टाइप से क्वेश्चन कर चुके हैं, ओपन डाइस को फोल्ड करने से कौन सा पासा बनेगा ये देखने के लिए सिर्फ आपको ये सिलेक्टेड करना है, ये आपने को देखना है कि कौन सा पासा में दोनों विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहा है, यही अपने को देखना है। तो सबसे पहले इसका विपरीत बता देते हैं। जैसे प्लस का विपरीत क्या होगा, ये ब्लैंक वाला जो बॉक्स है, तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक जो सरफेस दिया है या फेस दिया है, जो भी है, इस ब्लैक पार्ट का अपोजिट ये ट्रायंगल वाला है, ये जो ब्लैक पार्ट दिया है अपने को, इसका अपोजिट ये ब्लैक पार्ट ऐसे है, इसका अपोजिट क्या है, ये जो ट्रायंगल वाला सरफेस है, ठीक है, और इस डॉट वाले का अपोजिट क्या है, ये ब्लैंक सरफेस है। तो अपने को देखना है किसी डाइस में दोनों अपोजिट फलक विपरीत फलक एक साथ दिख रहा है, इसी को अपने को बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ ट्रायंगल आ रहा है, तो ये ब्लैक वाला पार्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों विपरीत है, तो ट्रायंगल के साथ ये ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है, दोनों विपरीत फलक एक साथ देख रहे हैं, मतलब इस पासे को मोड़ने से ये पासा कभी भी नहीं बनेगा। इसको देखते हैं डॉट, तो डॉट के साथ ब्लैंक वाला पार्ट है, तो डॉट के साथ ब्लैंक वाला पार्ट तो नहीं आ रहा है, डॉट प्लस इसमें से लिया गया है, और ये पार्ट ब्लैक पार्ट इसमें से लिया गया है, तो ये जो है अपना बन सकता है, ठीक है, ये अपना आंसर हो सकते हैं। आगे देखते हैं सी में क्या है, प्लस डॉट और ये ब्लैक वाला पार्ट प्लस और डॉट, तो ये भी आ सकते हैं, बी और सी दोनों आ सकते हैं। डी को हम देखेंगे तो ट्रायंगल के साथ ये ब्लैक वाला जो सरफेस है वो आ रहा है, मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें हम ध्यान देंगे ना एकदम से बी और सी दोनों का आंसर नहीं मान लेंगे, देखेंगे क्या इसमें से एक और हट सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो जो प्लस साइन है उसके साथ जो सरफेस चिपका हुआ है वो ब्लैक है, यहां क्या आ रहा है, प्लस के साथ जो पार्ट चिपका हुआ है वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो आंसर है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन सी को देखते हैं तो प्लस के साथ जो पार्ट चिपका है, जो सरफेस चिपका है उसमें व्हाइट पहले आ रहा है ना, मतलब प्लस के साथ व्हाइट वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, जबकि ब्लैक वाला पार्ट जुड़ा होना चाहिए, मतलब ये पासा नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को यह बताना है इस ओपन डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा। दोस्तों काम वही है, कुछ अलग काम नहीं करना है, अपोजिट पहले देख लेना है, उसके बाद अपने को यह चेक करना है कौन सा पासा है जिसमें दोनों विपरीत फलक एक साथ दिख रहे हैं, यदि दोनों एक साथ दिखाई देगा तो उसका मतलब वो पासा नहीं बन सकता, इतना सा है बस। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप से ओपन डाइस है और जिसका डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था, यदि वो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में वो लिंक दिया है, वहां जाकर दे सकते हैं। कैसे पता करते हैं अपोजिट, जी का अपोजिट बताना है, तो इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे, इस पूरे जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, उसके बाद अगला जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो जी का अपोजिट आर। बी का बताना है तो इस पूरे रो को हम छोड़ देंगे, अगला जो सतह आएगा वो बी का अपोजिट हो जाएगा, तो बी का अपोजिट ओ। अब y का पता करना है तो इसके लिए पूरे इसको छोड़ दिए, y का अपोजिट i, ठीक है दोस्तों, काम वही है, अब चेक करना है। पहला ऑप्शन को हम देख रहे हैं, यहाँ o और b एक दूसरे का विपरीत है और दोनों दिख रहे हैं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, मतलब ये पासा नहीं बन सकता। यहाँ y इसमें से एक आ गया, o इसमें से एक आ गया, g इसमें से आ गया, मतलब ये अपना आंसर होगा, ठीक है, तीनों में से एक एक सतह अपने को दिख रहे हैं और यही सही है। सी आगे देख लेते हैं, जी आई वाई ये विपरीत है जो कि एक साथ दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन को हम देखते हैं, तो क्या एक साथ दिख रहा है, जी आर जो है वो एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा बी। तो चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ अपने को चेक करना है इस पासे को जब मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा। दोस्तों काम वही करना है, सबसे पहले अपने को देख लेना है ये अपोजिट कौन सा होगा। यहाँ दोस्तों इस जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट जो है इसका अपोजिट ये होगा। ये जो सतह है जिसमें ऊपर ब्लैक हिस्सा है, इसका अपोजिट ये वाला पार्ट होगा जिसमें नीचे ब्लैक पार्ट है, ठीक है। और ये ब्लैंक जो फेस है इसका अपोजिट ये ब्लैंक फेस होगा, और डॉट वाले का ये ब्लैंक फेस होगा। दोस्तों इसमें इस तरीके से आप अपोजिट मत लिखते रहना, यहां से आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले ऑप्शन को देखते हैं तो ये ब्लैंक फेस और ये ब्लैंक फेस, तो इसमें से एक ब्लैंक फेस आ सकते हैं और इस डॉट वाले में से एक ब्लैंक फेस, तो दो ब्लैंक सतह, दो खाली सतह एक साथ आ सकता है और इसका अपोजिट ये है, तो दोनों में से एक आ गया, तो ये अपना आंसर होगा। सेकेंड को देख लेते हैं, इसमें डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है तो डॉट के साथ एक जो ब्लैंक जो खाली सतह है वो नहीं आया, इसमें से एक आ गया, इसमें से एक सतह आ गया और डॉट वाले में से एक सतह आ गया, और ये जो विपरीत है इसमें से एक सतह आ गया, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है बी। सी को देख लेते हैं, इसमें भी दोस्तों दो खाली जगह और दो खाली जगह आ सकता है, यदि डॉट नहीं है तो उसका एक खाली जगह और इन दोनों में से एक जो है खाली सतह ये भी आ सकता है, और इसमें से एक ब्लैक वाला जो सतह है वो भी आ सकता है, मतलब ये भी आपका आंसर होगा। डी को देख लेते हैं, इसमें से एक ये आया है और दो खाली जगह दिख रहे हैं, मतलब ये भी आपका आंसर होगा। दोस्तों इसमें चारों जो पासा है वो बन सकता है, इसका मतलब सभी आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, केवल पहला दूसरा दिया रहेगा या दूसरा तीसरा दिया रहेगा या सभी, तो इसमें से ऑल जो डाइस है वो बन जाएगा इसको फोल्ड करने से। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है, कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें इसका अपोजिट ये तो है, इस ब्लैक पार्ट का अपोजिट ये ब्लैक पार्ट है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसके साइड में, इसके लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट एड हुआ है, ऐसे यहाँ ब्लैंक पार्ट इन दोनों के लास्ट में एड हुआ है, तो यहाँ अपोजिट जब एक दूसरे का विपरीत पता करेंगे तो इसमें फंस नहीं जाना है ना। इस ब्लैंक पार्ट का विपरीत ये ब्लैंक पार्ट होगा, इस ब्लैंक पार्ट का ये ब्लैंक जो फेस है इसका विपरीत ये ब्लैंक फेस होगा, और ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का जो अपोजिट है, इन चारों को मिलाकर एक जो सतह बनेगा वो होगा, और इसको मिलाएंगे दोस्तों जब इसको फोल्ड करेंगे इसको मोड़ेंगे तो ये आके इस तरीके से, देखो आपको पीछे से कैसे दिखाई देगा, इसको जब मोड़ेंगे तो पीछे से कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये जो ब्लैक पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको पीछे से देखेगा, और ये खाली पार्ट, ये जो खाली पार्ट है और इसको हम मोड़ेंगे तो यहाँ इस तरीके से खाली पार्ट यहाँ नजर आएगा इस तरीके से, और जब इसको हम सामने से देखेंगे तब भी यही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा, तो इस ट्रायंगल का अपोजिट ये वाला पार्ट होगा, ये सतह होगा, ठीक है दोस्तों। अब चेक करना है, देख लीजिए दोस्तों इस फेस में जो काला सतह है वो दोनों आ रहे हैं, काला वाला पार्ट यहाँ दोनों आ रहा है, एक ही अकेला नहीं आ सकता ना, आएगा तो दोनों आएगा, तो समझो ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये पासा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी तरीके से यहां भी सिर्फ एक ही काला हिस्सा दिख रहा है, दिखेगा तो दोनों काला हिस्सा एक साथ दिखेगा, तो ये भी पासा नहीं बनेगा। दोस्तों इसमें दोनों काला हिस्सा एक साथ आ रहा है लेकिन साथ में ट्रायंगल आ रहा है, जबकि हम जानते हैं ये किसका अपोजिट है, इस ट्रायंगल का अपोजिट है ये, तो दोनों तो एक साथ नहीं दिख सकता ना, दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। डी को हम देखते हैं, डी में ट्रायंगल आ रहा है, उसका अपोजिट जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये पार्ट वो तो नहीं दिख रहा है, और इस जो खाली सतह है, इस खाली सतह में से एक आ गया और इस खाली सतह में से एक आ गया, मतलब ये बिल्कुल आपका पासा बनेगा 100% इस पासों को मोड़ने से यही पासा बनेगा, यही आपका आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन है, यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बेसिक से समझ जाएंगे उसके बाद हर तरीके के जितना भी ओपन डाई से क्वेश्चन है सबको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं इसमें कैसे अपोजिट पता करेंगे, ये डी का अपोजिट ई आप तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, डी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट सी ये भी आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन दोस्तों जब बी का अपोजिट पता करेंगे, बी का अपोजिट तो कैसे होगा, इन चारों को हम जब मिलाएंगे, ये जो चारों छोटा छोटा टुकड़े में बटा हुआ है, इन चारों को मिलाएंगे तो एक सतह बनेगा और वही बी का अपोजिट होगा। ठीक है, तो इन चारों को मिलाने से बनेगा कैसे दोस्तों, जब इसको फोल्ड करेंगे, जब इस तरीके से मोड़ेंगे, और जब मोड़ेंगे इसको फोल्ड करेंगे तो ये पीछे फोल्ड होगा ना, आगे नहीं होगा, पीछे फोल्ड होगा। तो ये दो मोड़ के यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, इसको मैं यहां पे बना देता हूं, इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये अपोजिट नहीं होगा ना, पहले दिखेगा अलग, ये दिखेगा अलग, बाद में उसका हम सामने से देखेंगे तो अलग दिखेगा। जैसे इसको हम पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, ये दो फोल्ड होके यहां पे बनेगा। बी को मैं हटा देता हूं, ये इस तरीके से दो यहां पे दिखेगा, वन पीछे से फोल्ड होके यहां पे आएगा वन, और ये थ्री जब फोल्ड होगा पीछे से तो ये थ्री और यहां पे फोर, ये घड़ी की घूमने की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में दिख रहा है पीछे से, लेकिन दोस्तों जब इसको हम सामने से देखेंगे तो पीछे का हिस्सा है, पीछे का नजारा है, जब हम पीछे से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 घड़ी की सुई की दिशा में दिख रहा है, लेकिन जब उसी को हम इस तरीके से पलटाएंगे, इस तरीके से सामने लाएंगे तो दोस्तों जो 1 2 इधर दिख रहा है वो 1 2 इधर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से, जब इसको पीछे से हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, और जब इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे तो ये घूम के 1 2 घूम के ये यहां जाएगा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से नजर आएगा, पीछे से 1 2 3 4 दिख रहा है, और जब सामने से देखेंगे तो इसी का डायरेक्शन बदल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, पहले 1 2 3 4 इस तरीके से दिख रहा था, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा, यही होगा बी का अपोजिट, और यही आपको हेल्प करेगा इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ए और डी आ सकते हैं क्या? जी हाँ आ सकते हैं, दोनों अपोजिट पेयर का एक एक फेस है। ठीक है, तो ये आ सकते हैं, लेकिन इसको देखते हैं क्या ये सही है दोस्तों। बी का अपोजिट जो नंबर वाला फेस है, नंबर वाला फेस वो तो आ गया, लेकिन क्या ये सही है? देखिए लीजिए, डी के साथ 1 लगा हुआ है, डी के साथ 1 लगा हुआ है, यहां भी डी के साथ 1 लगा हुआ है, ए के साथ 4 है, यहां भी ए के साथ 4 है, इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन एक चीज यहां अपने को गलत लग रहा है, एक चीज अपने को फंसाने वाला लग रहा है, क्या दोस्तों? जब हम पीछे से देख रहे हैं तो घड़ी की घूमने की दिशा में है, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो विपरीत दिशा में, मतलब ऑप्शन में आपको विपरीत उल्टा दिखाई देना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए, जो कि यहां नहीं दिख रहा है। ये तो जैसा जैसा पीछे से दिख रहा है वैसे यहां दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, बी और डी, लेकिन बी के साथ उसका अपोजिट फेस भी आ गया, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, बी के साथ ही आना नहीं चाहिए था, ये तो आंसर हो गए नहीं। अगला सी को देखते हैं, सी और ई आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, सी और ई अपोजिट पेयर का एक एक फेस है, आ सकता है। अब नंबर को देख लेते हैं, क्या नंबर सही है? 1 2 3 4, जी हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, तो ये तो हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये एक बात का भी ध्यान देना है, ई के साथ 3, क्या ई के साथ 3 होगा? जी हाँ बिल्कुल, ई के साथ 3, सी के साथ 2, एकदम सही है, यही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए और ई हो सकते हैं क्या? ए और ई, हाँ हो सकता है। नंबर को देख लेते हैं, ए के साथ फोर और ई के साथ थ्री, अब उसका डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन 1 2, दोस्तों एक बात और ध्यान देखेंगे, इसका दिशा इस तरीके से है, ये कौन सा दिशा है? घड़ी की दिशा में ही है, मतलब ये आंसर गलत है, नहीं होगा। यहां देख लो, इसके दिशा और इसके दिशा में अंतर है ना, ये घड़ी की दिशा में है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में है, इस तरीके से है, मतलब ये आपका आंसर होगा। यहां पे हम मिस्टेक, थोड़ा सा गलती कर गए थे दिशा देखने में, क्या गलती किए थे? यहां पे जो नंबर दिख रहा है, देखो ई के साथ 3 आ रहा है जो कि आना चाहिए था, सी के साथ 2 आ रहा है जो कि आना चाहिए था सी के साथ 2, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? 1 2 3 4, सेम जैसा अपने को यहां दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? उल्टे दिशा में, 1 2 3 4 उल्टे दिशा में, तो ये आपका आंसर है, आंसर डी।
ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा और ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है आपको चारों ऑप्शन एक ही दिशा में मिले, एक ही दिशा में मतलब चारों को उल्टा दिशा में दे दे, उसमें हम कैसे चेक करेंगे, ये लगा हुआ ई के साथ थ्री लगा है कि नहीं, ए के साथ फोर लगा हुआ है नहीं, ये सब एक एक करके आपको बारीकी से चेक करना है ना, और इसमें टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में ही बता पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ये कुछ पिछले क्वेश्चन से लगभग मेल खाता है लेकिन यहां थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, इसमें जो आखिरी में एड हुआ है वो फेस का, इन दोनों को मिलाने से एक फेस का हाफ पार्ट बनेगा, मतलब इधर छोटा टुकड़ा है इधर छोटा टुकड़ा है, वो किस तरीके से जुड़ के इसका अपोजिट बनेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो डी का अपोजिट ई, यहां ई छुटा हुआ है, डी का अपोजिट ई, तो डी का अपोजिट हो गया ई, और ए का अपोजिट सी, और बी का, ये जो बी वाला पार्ट है या बी वाला सतह है उसका अपोजिट कैसे होगा, अब वहीं पे पूरा इसका सॉल्यूशन डिपेंड है। इसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब बी का आप अपोजिट अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों इसको जब हम पीछे फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे, तो टू यहां आके फोल्ड होगा, टू यहां आएगा, ठीक है, वन पीछे से जब हम फोल्ड करेंगे तो वन यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वन, ये टू, ऐसे यहां थ्री यहां आएगा, और ये फोर यहां से फोल्ड होकर इधर आएगा। ये पीछे से देखने से ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 पीछे से ना, लेकिन जब हम इसको सामने से मतलब इस तरीके से घुमा के देखेंगे तो ये कैसे लगेगा अपने को, ये 2 3 सामने दिखेगा, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 3 और 1 4, कुछ इस तरीके से इसका अपोजिट फेस बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इस बी को हम हटा देते हैं, क्योंकि यही अपने को अच्छे से समझना है ना, जब इसको हम पीछे से मोड़ेंगे तो दो यहां आ जाएगा, और इस तरीके से कुछ इसका अपोजिट फेस बनेगा, दो यहां आ जाएगा, वन ये मुड़ के यहां आ जाएगा, थ्री को जब पीछे से फोल्ड करेंगे तो थ्री यहां, और फोर पीछे से इधर आ जाएगा। ये अपने को पीछे से दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जो हम इससे पहले क्वेश्चन वाले में डिस्कस किए थे। जब सामने से आपको घड़ी की सुई की दिशा में दिख रहा है तो पीछे से मतलब इसका अपोजिट फलक यही मिलेगा, यदि यहां घड़ी की सुई की दिशा में है तो इधर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो जाएगा, यदि इधर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब यही अपने को चेक करना है जी। ए और डी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकते हैं ए और डी। अब देख लेते हैं ये नंबर सही है कि नहीं, ये नंबर सही आ रहा है कि नहीं। दोस्तों डी के साथ 1 2 चिपका होना चाहिए, डी के साथ 1 4 है, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता। यहां ए डी आ सकता है डी के साथ 1 2, जी हाँ डी के साथ 1 2, ए के साथ 1 4, ए के साथ 1 4, तो बिल्कुल ये पासा आपका सही होगा। बस एक चीज आपने को चेक करना है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में है कि नहीं। 1 2 3 4, जी हाँ ये उल्टा ही घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से इसका रोटेशन हो रहा है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर भी होगा। आगे चेक कर लेते हैं सी और डी आ सकता है, नंबर को चेक कर लेते हैं, डी के साथ 1 4 नहीं आएगा, डी के साथ 1 2 आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए के साथ 1 4, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, डी के साथ ई है, ई के साथ 3 4, ई के साथ 3 4, ये भी हो सकता है। अब इसका रोटेशन देख लेते हैं, ये सब सही दिख रहा है, अब बस इसका रोटेशन चेक करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में है कि नहीं। 1 2 3 4, ये ऐसे इसका रोटेशन है, ऐसे ये रोटेट हो रहा है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में है, जबकि होना क्या चाहिए था, उल्टे दिशा में होना चाहिए था, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दोस्तों यही यदि आपका विपरीत दिशा में हो जाता तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन यहां क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, यदि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ना, तभी आपको मैजिक मैथ चैनल का जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।